आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ चगिया मार्केट। यो मोहब्बत से मुझको ना देखा करो, एक पल में मिला के नजरिया। वो चगिया में राजा पिता गए बाप, बहुत खूबसूरत हो आप सर सब। जय हिंद मित्रों, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ चगिया मार्केट, मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा। और जैसा कि बता रहे कि भाई लोग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर करने भूलेगा। आए चलते हैं बैक कैमरे से, आज ज्यादा देर न करते आपको घुमाते हैं चगिया मार्केट। तो दोस्तों, ये रास्ता है चगिया काली माता मंदिर के पीछे वाला रास्ता, और इधर बगल में कुटिया सड़क बना हुआ है रामनगर के राजा। आते यहाँ पे कुटिया का छोटा सा है, इस कुटिया में इधर साइड में, और ये चला जाएगा रास्ता मेन मार्केट। रास्ते के नाशा घूम रहे, ये देख सकते हैं ये चौराहा है। मुझको ना देखा करो, जैया पापा जी के हाथ पकड़ा जाइबो, वो जैया में राजा पिता जाइबो पिता जाइबो। हमें इधर जाना था तो इधर से जल्दी जाना था, तो सब जगह दवा ले लेते हैं। दवा लेने के बाद मजा कर रहा है, देखिए। हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। ये गली भी जाम रहती है आज तो काफी, पसीना पसीना रह गए तो पूरा पसीना पसीना होना पड़ा आज तो। तो आज थोड़ा सा त्योहार है भाई, सबके त्योहार में कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। हम लोग के भी त्योहार पे थोड़ा सा लोग मस्ती करते हैं, तो इन लोग का भी त्योहार है भाई, लेकिन थोड़ा सा मस्ती करने लीजिए। हमारा रहा है, बाकी आप लोग का क्या रहा है हमें बताइएगा जरूर से। किसी के भी त्योहार पे कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इधर से निकलना पड़ा क्योंकि इधर शादी लगा हुआ है, तो जाम की वजह से हमें इधर से निकलना पड़ रहा है, उधर गली में से गाँव में से। इधर पीछे की गली है जो, हाँ चौरा माई मंदिर है, तो पीछे से गली से निकलना पड़ रहा है क्योंकि इस साइड से बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। तो आप लोग बने रहिएगा, मेन मार्केट से बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है मेन मार्केट में, इसीलिए हमें इधर से निकलना पड़ रहा है। तो आप बताइएगा हमें थोड़ा सा, आप लोग इधर चलते हैं, हम लोग और थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग को लतीफ शाह जाने वाला रास्ता। तो मार्केट में मेन जाना मतलब कि बहुत ज्यादा जाम है, जाम को प्रॉब्लम से आप लोग को जूझना पड़ेगा मेन मार्केट में जाने का मतलब ये है। तो मैं जिस मकसद से आया था कि आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजारे दिखाऊंगा मार्केट का, मगर लग रहा है गड़बड़ा आ जाएगा, कहाँ लगता है गड़बड़ा आ जाएगा। तो आप लोग लाइक करिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब आप लोग के बीच लेकर आऊंगा मेन मार्केट का, क्योंकि आज मैं मार्केट में जाना मतलब कि जाम में बहुत ज्यादा फंस जाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मजा नहीं आएगा वीडियो में, जहाँ रहता है तो वीडियो मजा नहीं आता है। तो दिखाते हैं नजारे, थोड़ा सा जंगली रहता है, फिर सकते हैं लतीफ शाह को। अब लतीफ शाह शायद भूल जाते हो तो लतीफ शाह भी घुमाते हैं आप लोग को, तो वीडियो में मजा लास्ट तक। आइए फिर उधर जंगली इलाका थोड़ा सा घुमाते हैं, ये रास्ता चला जाएगा सदीपुर और ये रास्ता चला जाएगा आपका संदौली। दोस्तों मार्केट देखना आप लोग, अब यहाँ से चालू होता है खुखार रास्ता, देख सकते हैं ये सदीपुर के लिए चला जाएगा और बिहार चला जाएगा, इसी रास्ते से आप बिहार भी चले जा सकते हैं। तो ये यहाँ से इधर से स्टार्ट होता है खुखार रास्ता, ये पूरा जंगली इलाका है, पूरा जंगली रास्ता इधर है, तो काफी भयावह रास्ता इधर से स्टार्ट होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, फिर आगे तक चलेंगे, फिर उसके बाद आप लोग चलेंगे लतीफ शाह वाले रोड पे,
इधर भी दिखाएंगे चटिया मार्केट में तो बुरा ही हाल है देख सकते हैं दोस्तों, क्या ही बताएं। आज मूड बना था कि चटिया मार्केट घुमाएंगे आप लोग को, मगर एक बार बच्चे मूड अब घूम गया तो आप लोग को घुमाते हैं लतीफ सा। दोस्तों अब हम लोग आ गए मोहम्मदाबाद पुल, चटिया मार्केट से सीधा आप लोग आएंगे तो मोहम्मदाबाद पुल, मोहम्मदाबाद पुल से सीधे आप लोग लेफ्ट मुड़िएगा तो ये रास्ता चला जाएगा लतीफ सा, ये रास्ता लतीफ सा मार्ग चला जाएगा, ये है लतीफ सा वाला रास्ता देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह नजारे हैं पहाड़ और जंगलों को होते सीधा लतीफ सा चला जाएगा। तो लतीफ सा थोड़ा भीड़ भाड़ आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि आज है त्योहार। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर कुछ नजारे इस कदर हैं, सीधा आप लोग को एकदम सन्नाटा भरा रास्ता देखने को मिलेगा, तो सीधा रास्ता देखने को मिलेगा तो सन्नाटा भरा रास्ता है इधर, जो गाड़ी भी चलते फोन करके आए क्योंकि रास्ता मारना पड़ा था हमें, तो ये पूरा रास्ता देख सकते हैं इस कदर है जंगलों भरा रास्ता, ये काफी तकरीबन आने लग रहा चटनिया से 5-6 किलोमीटर पड़ता है ये मछली का रास्ता, 6 किलोमीटर पड़ता है, 6 किलोमीटर पड़ ही जाता है पूरा। तो यहाँ आप लोग को चढ़वाना है भी नहीं है कुछ भी, रूट मार्ग को छोड़ना ही नहीं है अच्छा, थोड़ा इधर खतरनाक लोग हैं तो बचिएगा थोड़ा डर के लोगों से, उनको लोग जाएगा आप लोग वो कहता है कि शॉर्ट कट रास्ते से आप लोग को नहीं चलेंगे जल्दी चल जाएंगे ऐसे कुछ, तो रास्ते से ऐसे ना जाएं आप लोग, तो ऐसे रास्तों से आप लोग बचें जंगल भरे रास्तों से जाने से। तो आइए चलते हैं ये नजारा और देखते हैं आज भीड़ है कि नहीं, तो थोड़ा इधर के छोटा मोटा गांव हुई है और है ये खूंखार रास्ता। तो पहन लेते हैं कार्ड नहीं तो लगेगा टिकट। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा डैम है, एक डैम पूरा बांध है और बांध के उस पार मजार है, इन्हीं को मजार पे बाबा को लतीफ साहब बाबा को बुलाया जाता है, इसीलिए काफी भीड़ लगता है यहाँ पे, और इधर लगता था 20 रुपए का टिकट, आइए देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है टिकट, ये देखते हैं मान जाते हैं कि नहीं मानते हैं सर, मान जाएगा तो ठीक है नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। प्रेस है तो मान गया दोस्तों क्योंकि कार्ड पहने, अगर कार्ड नहीं पहने रहेंगे तो दिक्कत होता, कार्ड पहने थे इसीलिए मान गया है नहीं लगा है कार्ड। तो ये देख सकते हैं लतीफ शाह का पूरा नजारा है, छोटे मोटे इधर दुकान भी है आप लोग को, इधर भी छोटा मोटा दुकान आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इधर भी दुकानें हैं छोटी मोटी दुकानें हैं बहुत सारी जो आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस यहाँ पे लोग आते हैं खाना पीना भी बनाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं, काफी मस्ती और काफी मजा लेते भी हैं खाना पीना, जैसे इधर लोग बना भी रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे, तो खाना पीना लोग बनाते हैं इधर यहाँ पे आके, और काफी शांति माहौल रहता है यहाँ पे और काफी एंजॉय काफी एंटरटेनमेंट लोग करते हैं, खाना बनाते हैं मस्ती करते हैं और उसके बाद यहाँ बनाए रहते हैं। तो मैं सामने से दिखा दूँ नज़ारे कुछ इस कदर है, देख सकते हैं ये है डैम, ये है डैम, अभी पानी गिर नहीं रहा है क्योंकि बारिश इस बार उतनी हुई नहीं, और उस पार देखते हैं वो लतीफ साहब बाबा का मजार और उस पार पहाड़ और इधर से चारों बगला का नज़ारा कुछ इस कदर रहता है यहाँ का, तो काफी सुंदर काफी खूबसूरत प्लेस माना जाता है और काफी भीड़ भाड़ लगता है। ये है मार्केट, मेन मार्केट चटिया का मेन मार्केट ये है,
ठीक है। और इस मेन मार्केट में यहाँ पर भी सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा। काफी पुराना मार्केट है ये, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा लगी हुई है। इधर से जाना हम लोग को नहीं मिला क्योंकि आगे जाम है, आगे बहुत सारा जाम है और आगे विशाल रुपये नहीं जाने दे रहे हैं। ये इधर ऐसा कह रहे रेरा से होते हुए वाटर पार्क और राजदेव गरी लखनिया गरी और इधर रास्ता चला जाएगा सीधे वाराणसी मंगल सरा मंगल सरा। इधर से हम लोग चलते हैं अपने घर, जल्दी से निकल जाते हैं तो इधर से जन लोग आ रहे हैं। जुलूस निकाल के आ रहे अपना तो ज्यादा भीड़ लग जाएगा, तो इधर से हम लोग को निकलना पड़ेगा नहीं तो भीड़ ज्यादा लग जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। तो ये चकियां चौराहा है मेटल स्टैंड मार्केट, लतीफा रोड, शादीपुर रोड, लखनऊ रोड, राजदेवी रोड दिखा है आप लोग को। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग को। चलिए भाई करता है वीडियो क्लोज और आपको मिलता है वीडियो पे।